सो हेलो प्यारी फैमिली, कैसे हैं सब आप लोग? आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होने चाहिए। और आपका भाई भी एकदम अभी का टाइम बढ़िया हो रखा है यार। आपको पता है जैसे कि यार 2-3 दिन भाई ब्लॉग नहीं आया, मुझे पता है। थोड़ा काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया लेट ब्लॉग आ रहा है, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। पावर के चैनल पर जाके लोग कमेंट कर रहे थे, DM कर रहे हैं। तो भाई समस्या ये हो रखी थी कि आपके भाई को थोड़ी सी जुकाम हो रखी थी सैटरडे से, यानी शनिवार को ही आपके भाई की तबीयत एकदम ख़राब हो रखी थी, जिसकी वजह से भाई अपन कोई ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया। और उसी दिन मैं सैटरडे में भाई गया था पावल के साथ, सैटरडे संडे के साथ गया था, क्या बोलते हैं उसका एक हेयर कटिंग वाला ब्लॉग शूट किया था। मतलब मैंने उसके भाई बाल थोड़े से कट कर दिए थे, जिसकी वजह से भाई वो भी नाराज़ थी। तो थोड़ी सी टुनबुन हम लोगों में चल रही थी, गुस्सा थी, तो चलते हैं फिर उसको मनाते हैं, उसको पागल लड़की को। और एक अच्छी सी थोड़ी सी खुशखबरी भी आपके लिए है, मतलब कि भाई उसका पेमेंट आ गया है यूट्यूब का। तो चलते सीधे भाई उसके पास ही मिलेंगे, अभी चलते हैं सीधे बाइक के पास। हम तो आज के टाइम ये वाला अपना हेलमेट लेके चल रहा है, क्योंकि आज आपका भाई यार मोटो ब्लॉग नहीं शूट करेगा। इसका भाई कार्ड ये रखा है क्योंकि अपना हर हरामी भाई मीडिया मोड जो अपना होता है, यानी माइक कनेक्टर GoPro वाला, वो लेके चला गया है। तो अपन आज नॉर्मल ब्लॉग शूट करेंगे। आप आपका भाई देखो पावल घर के पास पहुँच चुका है, और भाई अपनी मिस पावल रॉय यानी अपनी ड्रामा क्वीन भी आ चुकी हैं। हाय मैम, व्हाट्सअप, वेरी गुड। मुझे तो लगा अब बात ही नहीं करोगी मेरे से। भूल गई थी वो, देखो 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 नौटंकी, भूल गई थी मतलब। याद तो बाल कट, ओ बाल कटवा ली क्या तुम? कटवा ली बाल सही में? खराब कर दिया तुमने, कितना छोटा मुझे करवाना पड़ा, इतने छोटे बाल नहीं करवाती मैं। सही लग रहा है, सही थे। अरे एस्थेटिक पहन के आज कहाँ जा रही हो? सो गाइस, आज आपकी मैम पार्टी देने वाली है। पेमेंट आई है, मैंने ऑडियंस को बताई है, चलो समझी। इसकी भाई पहली पेमेंट आ गई है, फर्स्ट पेमेंट। तो आज पार्टी दोगी और क्या? नहीं यार, पार्टी नहीं दूंगी। क्यों? इतना भी पैसा नहीं आया तो पार्टी दे दूं मैं? इतना कुछ तो आया ना, 2-4-5-10 हज़ार जो भी आया चलो ठीक है, दो उतना ही। नहीं, पार्टी नहीं। तब क्या? कुछ भी, और पार्टी के अलावा कुछ भी मांग लो आप आज। हाँ सारे पैसे मुझे दे दो। तो फिर क्या प्लान है आज का? अरे भाई कपड़ा लेने चला था यार। जुड़ियो लो, देखो पैसे आते नहीं भाई, शॉपिंग देखो स्टार्ट हो गई। और मुझ गरीब को कुछ नहीं, ले लेना आप, कोई बात नहीं, खरीद दूंगा वो कपड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? चलो तो देख लेंगे ना क्या चाहिए। पट्टा वट्टा कहाँ घूम रहे हो? ये पट्टा है, बहुत स्पेशल पट्टा है तुम्हारे लिए, से दोनों हाथ ही आपको बांध सकते हैं ऐसे जब क्रॉस करते हैं। तो क्यों बांध रहा है मेरा हाथ? अरे बेवकूफ लड़की, जिम का है, रखो इसको, अभी ऑर्डर किया था। अरे वो दूसरा चीज है, दूसरा चीज है। पैर बांधने वाला है? नहीं यार, हाथ बांधने वाला है, रखो अभी मैं बाद में समझाऊंगा, जिम में समझाऊंगा आज। अरे ऐसे जिम चलोगी आज? क्या दिक्कत है? वो कुछ फेंका हुआ नीचे। यार ये क्या बदतमीजी है। ठीक है भाई, तो इस ब्लॉक, अरे नहीं एंड कहाँ करेंगे, तो चलते हैं। गंदी बातें करता है ये लड़का। मैंने कुछ, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो कुछ दिखाया भी नहीं कि नीचे क्या पड़ा हुआ है। बदतमीज भाई लड़कियां मैं नहीं। तो चलते हैं सीधे अब स्टूडियो में। क्या आपको लगातार यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए थकावट महसूस हुई है? क्या एक ऐसा एहसास है जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब मुझे मोस्ट वेट के बारे में पता चला तो सब कुछ बदल गया? या एक गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, जब मुझे रोजमर्रा की जिंदगी से छुट्टी की जरूरत होती है तो मैं मोस्ट वेट के साइट पर चला जाता हूँ, जो रोमांचक खेल का खजाना है और मेरा पसंदीदा गेम बिंगो और एलिवेटर है, जहाँ हर स्पिन बड़ी जीत का मौका है। यदि खेल आपका जुनून है तो मोस्ट वेट आपके लिए बेहतर है। उनकी वेबसाइट पर आप लाइव स्ट्रीम का आनंद ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम 250 फ्री स्पिन बोनस पाने के लिए मेरा कूपन कोड राइडर जरूर यूज करें। साथ ही 24/7 उनकी सहायता टीम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट बेट पर जाकर मेरा प्रोमो कोड यूज करें। भाई जूडियो में भीड़ देख रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां, कार गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। सबने बताया था ना सेल है, सेल है 1 तारीख से रील समय चक्कर में भाई जो भरा पड़ा हुआ है भाई पूरा सिस्टम। सब्जी मार्केट, मछली बाजार में भाई सच में इतनी भयंकर भीड़ हो रखी, देख रहे हैं आप लोग ऊपर नीचे। चलो चलते हैं भाई, यहाँ से कुछ मतलब एक टी शर्ट ले ली है, ये हेलमेट में रख दिया हूँ, देखते हैं क्या क्या लेती है। भाई साहब भीड़ से ज़्यादा भाई हो रखी थी कि और यार कुछ आवाज़ भी आपको नहीं आ रही कि बहुत यार ज़्यादा भीड़ थी, मतलब फालतू का भाई।
सबसे बेकार फैसला था यहाँ पे आने का। मतलब चीजें थी, मतलब हम लोगों ने लिया, मतलब कपड़े वपड़े लिए थे, लेकिन लाइन ट्रायल के लिए भी लाइन लग रही थी भाई, और बिलिंग के लिए भी लाइन लगती है, क्योंकि जिम के लिए भी लेट होता और एक घंटा चला ही जाता है आराम से भी यहाँ पे। हाँ, इससे अच्छा भाई हम लोगों ने प्लान किया कि भाई यहाँ से निकलते हैं, किसी दिन और आ जाएंगे। इस टाइम भाई आप लोग वीडियो बिल्कुल मत आना, बहुत ज़्यादा वीडियो रखी है। तो गाइस यार देखो आ गए यार हम लोग जहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं। सोचा था आज लड़के से थोड़ा खर्च वर्चे करवाऊँगा यार, इसके पैसे से कपड़ा वपड़ा लूँगा, लेकिन बुरी किस्मत, मुझे तुम्हारे पैसों पे पलना है, कहते हैं तो टुकड़ा मेरे इतने खर्च करवाती हो, तुम कब खर्च करोगे? हाँ थोड़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 कम नहीं होता, बहुत है। दो सो गाइस मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, इतनी दुष्ट है दो दोनों मेरा जूठा कर दे, मार खाना है क्या? अरे दोनों ही साथ नहीं बना तो कौन ज़्यादा टेस्टी रहेगा, ये भी कोई बात है। अरे तुम ये समझ नहीं था जूड़ी में इतना भीड़ रहती क्यों है, मतलब पता नहीं क्यों, अरे मतलब कपड़े थोड़े सही मिल जाते हैं, लेकिन अब भाई देखो ये भी पहनी हुई है एस्थेटिक वाला, फर्स्ट टाइम ट्राई की है, कमेंट करना आप लोग कैसा लग रहा है भाई एस्थेटिक वाला। ये लास्ट टाइम हम लोग लिए थे जब कॉलेज से आए थे ना, भीड़ वजह से नहीं ले पाई। अरे ठंडा है यार, अभी जस्ट मेरी जुकाम सही हुई है, आवाज़ देख रही मेरी, ज़्यादा ठंडा बना दिया मैंने, कम होगा पी लेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं दूंगा चलो। तो मैंने भाई देखो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ली है, अभी ये पी रही है, जाओ पी के जल्दी पेमेंट करो, समझी? नहीं नहीं पेमेंट करो, देव अगर तुम्हारा पेमेंट नहीं किया तो मैं तुमको लिवा के नहीं जाऊँगा, मैं अपने पैसे नहीं खर्च करूँगा। भाई लड़कियाँ इतनी दुष्ट होती हैं, मतलब लड़के देखते हो कि भाई वो लोग पेमेंट भाई करते रहते हैं हमेशा, लेकिन लड़कियाँ कभी नहीं पेमेंट करती हैं जल्दी। मैंने किया है कब? एक बार तुम्हें खिलाया था ना आइसक्रीम, एक बार, पता नहीं कब, मुझे तो याद नहीं, पता नहीं कभी ऐसा। भाई सब सच सच बताना आप लोग, भाई लड़कियाँ इतनी कंजूस क्यों होती हैं? ताकि शॉपिंग कर सके। और फाइनली देखो भाई लड़की पेमेंट करने जा रही है, बेकार रहती, कह रही थी भाई फोन नहीं मिल रहा है, बैग में फोन रखी थी तब भी। हो गया मैम पेमेंट? गाइस ने मुझे पेमेंट करवा दिया। वाह 100 रुपए में बताओ इसको इतनी, वाह 100 रुपए के लिए इतनी बताओ, ये कर रही है नौटंकी। चलो पैसे निकालो, तेल नहीं डलवाओगी क्या? पैसे तो नहीं आज पूरा खर्च करोगी, बता दे रहा हूँ मुझे, क्या तेल डलवाओ? ज़्यादा नहीं, 200-300 का डलवाऊंगा बस, 300 का भैया, 300 करिए डाल लाइन, तुम डालोगी दो भी बेचती मत, मेरा कराना 300 करो। अरे कर दो भाई प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, करो 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 कर, कर भाई बहुत भीड़ है। नहीं गाइस मैंने तेल डलवा दिया, नहीं नहीं पैसा नहीं दिया, यही बताने के लिए मैं गाड़ी रोका था भाई, इसने पैसा नहीं दिया, मैंने अपने पास से 300 रुपए बोल रहा है गाइस, मैंने दिया 300 रुपए। मैं झूठ, देखो आपको पता है भाई कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, इतनी भाई ये दुष्ट लड़की यार हो गई हो, तो पैसा दी ही नहीं यार, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी भाई कसम से, नहीं 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 पर तुम तो 300 रुपए भाई लड़कियाँ नहीं कर सकती, वाह वाह वाह। चलो तो देखते हैं, तुम नहीं आती हो क्या जी, तुम भी साथ में आती हो? मैं कभी कभी आती ना, मुझे तुम लेके हमेशा घूमते रहते हो, जाओ उसका क्या? उतरो जाओ तुम पैदल, मैं उतरूंगी, यहां तक ही आ गया, घर तक छोड़ो ऑटो सवारी करो भाई, ये इतनी तो दुष्ट लड़की सही नहीं है। आज क्या है आज बताओ, चलो ठीक है तुम क्या है, आज क्या है, आज क्या है मतलब क्या, आप बताओ क्या है आज, आज गुरुवार है और इसके अलावा आज और क्या है यार, रील वील देखते हो कितना सही ट्रेंड में चल रहा है, वायरल चल रहा है, नहीं आज नेशनल गर्लफ्रेंड डे है। हाँ 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 भगवान तुम्हें, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड भगवान किसी के ना मिले, मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए, एक तो ना कपड़े खरीदे ना तो कुछ खिलाया, मैंने खिलाया। वाह भाई ये लड़की भाई मेरे साथ एक साल से रह रही है और उसको कह रही है ना मुझे कपड़े खरीदे, वाह दिल्ली में खरीदारी कौन करवाया, हर महीने आपको भाई पता है कौन लेके जाता है शॉपिंग पे, पूरे खर्चे कौन करता है, अभी नेपाल घूम के कौन घूम के आया, अब बोल रही है कि भाई आज गल,
गर्लफ्रेंड डे, तुम क्या किया आज? आज कुछ नहीं किया, तुम्हारा दिन था। आज गर्लफ्रेंड डे है, इसलिए आज तुम चलो तो खर्च करो ना। हाँ तो आज तुम खर्च करो। बॉयफ्रेंड आता अपने गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं यार, अरे नहीं करो हम भाई, हम लड़कों के लिए बताओ कोई रूल नहीं होते हैं, कोई डे नहीं होता है। बात तो सही है, इनका वैलेंटाइन डे ए डे ओ डे दुनिया भर का। चलो बॉयफ्रेंड डे जब होगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ करूंगी। हाँ हाँ, को कभी नहीं होगा। चलते हैं यार भाई लोग, पब्लिक अपने निकलते हैं सीधे जिम के लिए, लगाएंगे आज हम लोग भाई लेग की वर्कआउट। गाइस हमें 10 सब्सक्राइबर मिल गया था, हमें हमारा जो बोला था हम अपना ब्लॉग देखते हैं, तो डेविड को भी बहुत पूछ रहा था, बाइकर हर्ष हरामी, हाँ उसको भी पूछ रहा था कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, देख लो इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आ चुके हैं गाइस फाइनली अपन जिम में। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वाई आर यू स्माइलिंग? अरे चलो 90 रुपए की कॉफी पिला के दिमाग मत मेरा खराब करो। देखो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हम लोग अपना, और अब मुझे समझ में आया लड़की इस कलर को क्यों पहन के आई, क्योंकि मैंने उस दिन टी शर्ट ये लिया था जो जूडियो से। अब ऐसे करो, अब हाथ से करो। नहीं नहीं, दिल टूट गया आधा। नहीं तुमने भाई पैसे नहीं दिए बताओ पेट्रोल के, कुछ नहीं करना ऐसे ऐसे। तो बस वर्कआउट वगैरह करते हैं यार, लेग डे आज हमारा है। पतले पतले मेरे चिकन पीस वाले लेग हैं ऐसे, बस चट्टे में दिख रहे हैं भाई, लेकिन लेग है नहीं, लेग अच्छे हैं मेरे, इंस्टा पे दिखा दूंगा। अरे बस 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 भाई, पता है इससे मोटे तुम, चोट लगी है, इसने मुझे गिरा दिया था ये देखो। चोट मेरी नहीं, इसकी वजह से खुद की लगी है, और इससे ज्यादा मोटे मेरे लेग हैं भाई, कभी दिखा देंगे। तो बस चलते हैं वर्कआउट वगैरह करते हैं। चुप 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 चुप। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows. भाई लोग एक्सरसाइज अपनी ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकाई लग गई है। मैंने तो अपना भाई कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं किया, बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग लेट निकले, भी टाइमिंग ओवर रखी हुई, शायद 8 बजने वाले होंगे। और क्योंकि इसने मुझे कुछ खिलाया नहीं था, इसलिए मैं जानबूझ के रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया हूँ। कुछ तो कुछ खिलाएगी, सैंडविच भाई अभी ऑर्डर कर दे दिए हैं और पैसा ही पे करेगी अभी। देखो भूल जाओ, सवाल नहीं। वाह भाई वाह, पेमेंट कर देता हूँ। अरे वाह, सो गाइस फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे भाई एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खाते पीते रहो यार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।